सी आई टी एन सीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू दो प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय तीन इसका शीर्षक है तुम कितना वजन उठा सकते हो पृष्ठ अठारह से पृष्ठ तेईस तक तो आइए अब सुनते हैं अध्याय तीन शीर्षक तुम कितना वजन उठा सकते हो पृष्ठ अठारह है इस पृष्ठ पर बाई ओर सबसे ऊपर एक झूले यानी सी सौ के एक तरफ एक छोटा सा बच्चा बैठा है जबकि उसके ठीक सामने अध्याय तीन का तीन अंक लिखा हुआ है उसके सामने लिखा है तुम कितना वजन उठा सकते हो चालाक गधा और भारी बोझा संदीप के पास एक गधा है वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है कृपया ध्यान दें। इस वाक्य में गधा शब्द से पहले गधे का चित्र व संदीप के नाम के आगे संदीप का चित्र बनाकर दिखाया गया है और बोरियां शब्द जहां लिखा है उससे ठीक पहले बोरियों का चित्र दिखाया गया है बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है नदी शब्द से पहले नदी का चित्र इस वाक्य में दिखाया गया है एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया जब वो उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी इन तीनों वाक्यों में नदी शब्द के सामने नदी गधा फिसलकर जहां लिखा है उसके ठीक सामने गधे के फिसलने का चित्र और नदी शब्द के सामने नदी का चित्र और बोरी के सामने बोरी का चित्र बनाकर दिखाया गया है गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ इससे उसे एक बात भी सूझी अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई इस वाक्य के ठीक सामने संदीप गधे के साथ खड़ा हुआ एक चित्र में कुछ सोचता हुआ दिखाया गया है वो स्वयं से कह रहा है मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा क्यों इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों में पढ़ने का कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं है अतः उन्हें चित्र संकेतों यानी पिक्टोग्राफ से मदद मिलती है इनसे उन्हें मजा भी आता है पृष्ठ उन्नीस इस पृष्ठ पर बाई ओर सबसे ऊपर लिखा है राजू सी सौ पर झूलना चाहता है राजू को सी सौ पर झूलने के लिए एक साथी की जरूरत है इस वाक्य के नीचे चित्र के माध्यम से सी सौ के झूले पर एक तरफ बैठे हुए राजू को दिखाया गया है जिस तरफ राजू बैठा है झूला वहां से नीचे की ओर झुका हुआ है लेकिन उसके ठीक सामने की तरफ वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है रानी राजू की मदद करने आती है फिर भी राजू सी सौ पर नहीं झूल पाता इस वाक्य के दाई ओर ठीक सामने सी सौ झूले का चित्र है जिसमें राजू झूले पर बाई ओर बैठा है और जिस हिस्से में राजू बैठा है वो अभी भी नीचे है जबकि दाई ओर झूले के सामने वाले हिस्से में बैठी हुई रानी है किंतु वो हिस्सा अभी भी ऊपर उठा हुआ है क्या तुम बता सकते हो क्यों सही उत्तर पर गोला लगाओ इस वाक्य के नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है राजू रानी से भारी है या हल्का है असलम उनकी मदद करने आता है चित्र देखो इस पृष्ठ पर दाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सीसो झूले के बाईं तरफ राजू बैठा है जबकि दाईं तरफ रानी और असलम बैठे हैं और अब झूले के दोनों हिस्से बराबर हैं क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों गया इस वाक्य के नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा है रानी और असलम से राजू भारी है या हल्का है इस पृष्ठ पर बाई ओर नीचे राजू का चित्र दिखाया गया है वो एक थैला उठा रहा है वो अपने आप से कह रहा है अच्छा सूझा मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूं इस पृष्ठ पर दाई ओर सबसे नीचे सी सॉ का चित्र दिखाया गया है जिसमें राजू ने अपने साथ झूले के ऊपर अपना थैला भी रख लिया है और उसके ठीक सामने रानी और असलम बैठे हुए हैं और अब झूला बिल्कुल बराबर अवस्था में है रानी असलम और राजू मिलकर कह रहे हैं हमें इस झूले पर बहुत मजा आ रहा है पृष्ठ बीस भारी या हल्का दो चीजों में से कौन सी सीसौ को नीचे की ओर ले जाएगी उदाहरण देखो भारी चीज को मिलाने के लिए रेखा खींचो इस पृष्ठ पर उदाहरण के तौर पर सबसे ऊपर तरबूज और खरबूजे का चित्र दिखाया गया है तरबूज खरबूजे से बड़ा और भारी है इसीलिए तरबूज से लेकर सी सौ झूले तक एक रेखा खींची गई है लाल रंग की और सी सौ झूला उसकी वजह से तरबूज की ओर झुका हुआ दिखाया गया है क मटका और पानी की बोतल अब इन दोनों के सामने सीसौ बना हुआ है इन दोनों में से कौन सी चीज भारी है जो सीसो को नीचे की ओर ले जाएगी आप लाइन लगाकर यानी रेखा खींचकर कर सीसौ झूले तक उस वस्तु को दर्शाएं। ख गिलास और जग इस चित्र के ठीक सामने सीसौ बना हुआ है आप रेखा खींचकर बताएं ग चाय का कप या बाल्टी लाल रंग की रेखा खींचकर बताएं कि इनमें से कौन सी चीज भारी है जो सीसाओ को नीचे ले जाएगी जो हल्की चीज है उसमें रंग भरो क टेनिस बॉल फुटबॉल ख, स्कूल बैग या ज्यामिति बॉक्स इस पृष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस क्रियाकलाप को करवाने के पहले बच्चों को विभिन्न वजन वाली वस्तुओं को हाथ में उठाकर उनकी तुलना करने का अवसर दें उपलब्ध सामग्री से तराजू बनाकर उस पर हल्का भारी का खेल खेल सकते हैं 21 छोटू बंदर और गाजरें चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला उसके अंदर गाजरें थीं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर चिक्की और मिक्की खरगोश का चित्र दिखाया गया है उन दोनों के पास एक थैला है जो गाजरों से भरा हुआ है इसी पृष्ठ पर इस चित्र के दाई ओर छोटू बंदर को एक चित्र में आराम करते हुए दिखाया गया है चिक्की और मिक्की लड़ने लगे इस पृष्ठ पर बीच में एक चित्र के माध्यम से चिक्की और मिक्की को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है चिक्की कहता है मैं बड़ी गाजरें लूंगा मिक्की ने कहा नहीं मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बड़ी गाजरें लूंगा इस चित्र में छोटू बंदर इन दोनों को देखता हुआ दिखाया गया है छोटू बंदर उनकी मदद करने आया इस पृष्ठ पर बाई ओर सबसे नीचे छोटू बंदर और चिक्की और मिक्की का एक चित्र दिखाया गया है चिक्की और मिक्की कह रहे हैं हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी हम क्या करें इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे एक चित्र के माध्यम से छोटू बंदर उनसे कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे छोटू बंदर और चिक्की और मिक्की का एक चित्र दिखाया गया है ये चित्र गोल रंग के घेरे में बना के दिखाया गया है इस चित्र में छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया और उस वस्तु को लाल रंग की एक रेखा से दर्शाया गया है पृष्ठ बाईस अंदाजा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया बंदर के हाथ में उस चीज की तस्वीर बनाओ पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं एक बार में वे कितनी खरीदते हैं सब्जी वाला गाजर कैसे तोलता है सिमरन कितना उठा सकती है सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है इस पृष्ठ पर सबसे नीचे सिमरन के घर का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें सिमरन अपने पिता के साथ घर के स्टोर में खड़ी कुछ काम कर रही है उसके पिता घर के स्टोर से कुछ सामान उठा के रसोई घर में रखना चाहते हैं इस चित्र में सामने डाइनिंग टेबल पर सिमरन की माताजी खड़ी हैं। पृष्ठ तेईस अंदाजा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है इस पृष्ठ पर दाई ओर सिमरन के परिवार का चित्र दिखाया गया है इस चित्र में सिमरन के माता पिता सिमरन और उसकी बहन दिखाई गई हैं। सामने लिखा गया है अंदाजा लगाओ कौन क्या उठाएगा क उसके पिता रिक्त स्थान ख उसकी माता रिक्त स्थान ग उसकी छोटी बहन रिक्त स्थान क्या सिमरन इनमें से कोई दो झोले एक साथ उठा सकती है यदि हां तो कौन से रिक्त स्थान तुम कौन से झोले उठा सकते हो अंदाजा लगाओ स्थान इस पृष्ठ पर बीच में एक चींटी का चित्र दिखाया गया है चींटी कह रही है मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूं जानवरों के चित्रों से उन चीजों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं इस पृष्ठ पर नीचे चार चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र एक कौए का है दूसरा चित्र एक हाथी का है तीसरा चित्र एक गधे का है चौथा चित्र एक कुत्ते का है इन चारों चित्रों के नीचे यानी पृष्ठ पर सबसे नीचे चार और चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र एक बॉल का है दूसरा चित्र चीनी के पैकेट का है तीसरा चित्र लकड़ी के लट्ठों का है चौथा चित्र पत्ती का है इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय तीन यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन व निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत